वेलकम टू पढ़ाई का ज्ञान चैनल। सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। नोट्स बनाने के लिए बुक और पेन ले लीजिए और ईयरफोन्स भी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो आपको ये होमवर्क बताया था, तो इसके सॉल्यूशंस देख लेना, और अगर आपका करेक्ट हो तो अच्छी बात है, अगर करेक्ट ना हो तो ये करेक्शन कर लेना और ट्राई करना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करके देखिए, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहता है अपने लिए, ताकि ये कभी गलत ना हो जाए। अगर सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि ये आप वापस सिखा दो, तो मैं वापस बता दूंगा, या फिर आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, उस पर मैं बता दूंगा कॉल पे। और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना ताकि उनको भी आसानी हो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। बराबर चेक कर लेना और लिख लेना अपने बुक्स में। क्वेश्चन ऑन सीएफ चलो सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तो इसको देखो सॉल्व कैसे करना है। हमने सबसे पहले सॉल्व करते हुए सॉल्यूशन लिखना है, जैसे पहले लिखते थे। तो ये लिखा सॉल्यूशन देखिए ये लिख दिया, ठीक है। अभी लिखना है गिवन, ये सेम इधर कॉपी कर लेना है, कॉपी कर लिया। अब अपने को इसका इट्स सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, जो हमने पढ़ा था एसएफ। तो अगर किसी ने एसएफ कैसे निकालना देखा नहीं होगा तो अपने वीडियोस वापस देख लेना, ठीक है। अभी अपने को एसएफ निकालना है, तो अपने सीखा था ये जो डी बाय डी एक्स है, इसके जगह पे अपने को बड़ा डी डालना है। तो ये डिटेल में सिखाया था, पहले की वीडियो आप देख लेना। अभी देखते हैं डी डालते हैं इसमें, तो इसका आंसर क्या होगा, डी स्क्वेयर प्लस 5D + 6। ये हमने इधर से ये एक वाई कॉमन ले लेते डायरेक्ट, एक स्टेप हमारी कम हो जाती, = 0 कर लेते, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या देखा था, हमें निकालना है अभी इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब ए ई। इसके पहले के वीडियो में देखा था हमने कि ये जो ये ब्रैकेट में टर्म है y के साथ की टर्म = 0 डालना पड़ता, तो डी स्क्वायर प्लस 5D + 6 = 0, ये हो गया ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इसके हमें रूट्स फाइंड करने हैं, तो अपन ले लेते अभी कैलसी, ठीक है। कैलसी में दिख गया होगा, ये हमारा मैट्रिक्स डाल के है। अगर कैसे डालना देखना है तो वीडियो में पहले भी बता दिया है। तो ये पहले मॉड डबाना है, मॉड, उसके बाद में फाइव नंबर, उसके बाद में अभी यहाँ पे आपको 2x square दिख रहा होगा, तो हमारी इक्वेशन स्क्वायर में, मतलब हमने अभी 3 दबाना है, ठीक है, 3 हो गया। तो इसके d के साथ कौन सा टर्म है, 1, तो हमें 1 दबाना है और = दबाना है। उसके बाद में 5, यहाँ पे 5 दबा दिया, = यहाँ पे 6 है तो ये 6 दबा दिया, = तो x कितना आ गया, -2, तो ये x आ गया। बट हमें ये d की वैल्यू, d में सेंटेंस है इसलिए हमें रूट्स मिलेंगे उसके, तो इट्स रूट्स आर d = -2 और एक = दबाना है -3, तो d = -3, तो हमें दो रूट्स मिल गए, और दो का टर्म है तो दो रूट्स मिल गया, मतलब आंसर बराबर है, दो ही रूट्स आएंगे इसके, क्योंकि दो ही पावर है, ठीक है। इसके बाद में हमें अब क्या करना है, रूट्स निकल गया, इसका cf निकालना है। इट्स सी एफ विल बी क्या होगा बताओ, CF = -2 का CF क्या था, C1 कॉमन में E -2x प्लस C2 E⁻³x। तो ये हमारी हमने पिछले वीडियोज में प्रैक्टिस कर ली थी, अभी इसका होमवर्क दिया था, वो भी आपने अगर सॉल्व किया होगा तो ये बहुत ईजी जाएगा आपको, ठीक है। अभी CF हो गया, इसके बाद में हमें निकालना रहता PI, क्योंकि Y = CF + PI सोल्यूशन देखा था हमने, ठीक है। बट अभी जब अपन इसका PI निकालेंगे, PI क्या है हमने सीखा नहीं है, बट सॉल्यूशन कभी भी क्या है, किस में रहता है, Y = CF + PI में रहता है। बट हमारे पास PI नहीं होगा, बिकॉज जो हमने इक्वेशन बनाया था यहाँ पे, जो हमारा क्वेश्चन है,
इसमें इधर जीरो है, इज इक्वल टू के आगे अगर जीरो होगा तो अपना पी आई एक से अपना पी आई डायरेक्ट इधर जीरो आ जाता है, पी आई इज इक्वल टू जीरो। तो ये जीरो क्यों आता है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में नहीं, आगे अगर आप वीडियो देखते हो तो इसमें समझ जाएगा ये पी आई इज इक्वल टू जीरो क्यों आता है। बट अभी सीधा सीधा देखना है कि इक्वेशन में हमें इज इक्वल टू के बाद में जीरो दिख रहा है तो इधर पी आई इज इक्वल टू जीरो डाल देना है। अगर आपने मेंशन नहीं भी किया तो भी समझ जाता है कि इज इक्वल टू के बाद में जीरो, इसलिए पी आई जीरो आ जाता। तो इट्स सॉल्यूशन करके लिखना है, इट्स सॉल्यूशन विल बी, सॉल्यूशन इज वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो अगर सी एफ, बस सी एफ लिख के रख दिया, सी वन ई माइनस टू एक्स प्लस सी टू ई माइनस थ्री एक्स, तो ये आंसर हो गया वाई इज इक्वल टू, इसका आंसर आ गया। बट अगर करना ही है तो इसको जीरो भी लिख सकते, उसके बाद में लास्ट में सॉल्यूशन वाई इज इक्वल टू सी वन ई माइनस टू एक्स प्लस सी टू ई माइनस थ्री एक्स बना के इसको ब्रैकेट ये बॉक्स भी दे सकते अगर पेपर में लिख रहे होगे तो, ऐसे हाईलाइट करने के लिए। बट आंसर ये अगर इतना भी लिख दिया तो भी आंसर करेक्ट है, प्लस जीरो भी आता है क्योंकि पी आई तो जीरो है अपना। बट अगर इसको नहीं भी लिखा तो भी चल जाएगा, आंसर इतना ही है। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पर मुझे ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनानी है क्योंकि अगर ज़्यादा लंबी हो गई तो बच्चे सो जाते हैं, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नींद बहुत जल्दी आती है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अपन जब सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर अभी सॉल्व किया तो इसको 10 मिनट लगते हैं और वीडियो और लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ट्राई करके देखना, अगर नहीं आया तो कल की वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में देख लेना, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलो बाय बाय।